हमारे मित्रमंजन, आज हम बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में। आपने देखा होगा ये स्टॉक 100 के नीचे चल रहा है। इस स्टॉक के अंदर प्रेशर तब से आया जब से जो इनके नॉर्म्स है लोड कैपेसिटी के लिए, तब से इस स्टॉक के अंदर काफ़ी प्रेशर है। और दिसंबर क्वार्टर के अंदर इनके जो सेल्स है वो थोड़े कम हुए हैं, शायद उसी के वजह से। जो बड़ी व्हीकल्स है, कॉमर्शल हैवी व्हीकल्स, उसके अंदर सेल्स थोड़े डाउन हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये अब 52 वीक लो के ऊपर चल रहा है और ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है लोअर रेट पे लेने का। और अगर आपको लगता है और नीचे आता है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं इससे। अगर 90 के नीचे आता है तो 90 के नीचे लीजिए, लेकिन अगर आपको लेना है और इस के अंदर थोड़ा थोड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है इस स्टॉक का। नीचे आ भी सकता है, कितना आएगा बता नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लिमिटेड लो हो सकता है। अगर नीचे आया तो 85 के तरफ आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ऑर्डर्स हैं इनके पास और फिर से जो है ग्रोथ इस स्टॉक के अंदर दिखाई देगी। तो जहां से ये स्टॉक का जो लोअर है रुकेगा वहां से आप इजिली बाय कर सकते हैं। तो आपको चाहिए तो वेट भी कर सकते हैं, या इस रेट पर 20% लीजिए, फिर नीचे के रेट पर उस हिसाब से आप ले सकते हैं SIP करके। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जैसे ही इनके सेल्स फिर से बढ़ेंगे तो इस स्टॉक के अंदर फिर से ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसका अगर आप 5 साल का भी चार्ट देखेंगे तो काफ़ी मल्टीपैगर रिटर्न्स दिया है। 2013-14 में 16-17 रुपए के करीब ये स्टॉक चलता था, फिर ये एकदम हाई 160 के करीब ये स्टॉक आया था 2018 में, और न्यू नॉर्म्स के कारण जो है इसके अंदर प्रेशर आया। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 75 का स्टॉप लॉस एक लगाकर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बोलना था। और इनके जो रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि इनके दिसंबर के सेल्स कैसे थे, ताकि आपको भी आइडिया आ सके। और एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड देती है। 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 रुपये का फेस वैल्यू है। और इसका अगर आप देखेंगे तो इनके जो सेल्स थे हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के थोड़े डिक्लाइन हुए थे, लगभग 29% डिक्लाइन हुए थे। शायद इसी के कारण जो है स्टॉक के अंदर एक प्रेशर दिखाई दे रहा है। और लेकिन लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की बात करेंगे तो 27% की ग्रोथ है। तो लोअर रेट्स पे अच्छे स्टॉक्स अगर लेंगे तो मीडियम टर्म में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और लॉन्गर टर्म के लिए तो बेहतर है ही। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो फिर से ये स्टॉक जो है 120 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। इनके ग्रोथ देखनी पड़ेगी, इनके जो नेक्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स और एवरी मंथ के जो सेल्स डेटा आते हैं वो भी आपको देखने पड़ेंगे, ताकि इस स्टॉक के अंदर आप इजीली एनालाइज कर सको। तो आज इसी के बारे में बोलना था। जिसके पास भी है तो मेरे हिसाब से तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, नीचे के लेवल पर मिले तो और ऐड कर सकते हैं। और कंपनी काफ़ी बढ़िया है। चलिए, थैंक यू।